अगर आपका ब्लड प्रेशर 60/90 से कम हो जाए तो इसे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। मगर लो ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है, कैसे लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जाए, ये बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो व्यूअर्स, लो ब्लड प्रेशर का इलाज इस पर डिपेंड करता है कि आपका बीपी किस वजह से लो हो रहा है, आप लो ब्लड प्रेशर की कौन से किस्म में मुब्तला है, वो कौन से सिचुएशंस या मौके हैं जिनमें आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कुछ लोगों में लो ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती, कुछ को सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, यानी खाना पीना और एक्सरसाइज वगैरह, और कुछ को इसके साथ साथ दवाएं लेने की भी जरूरत होती है। सबसे पहले बात लाइफस्टाइल की। बीपी लो हो जाने की एक बड़ी वजह जिस्म में पानी की कमी है, इसलिए ज्यादा पानी पीने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। खास करके अगर डायरिया हो जाए या उल्टियां आ रही हो तो पानी ज्यादा पिए। अगर आप एक्सरसाइज यानी वर्जिश कर रहे हैं या किसी गर्म इलाके में है तो खूब पानी पिए। कुछ केसेस में डॉक्टर्स लो ब्लड प्रेशर के मरीज को इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमकियात के इस्तेमाल का भी मशवरा देते हैं। इन सब से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और नॉर्मल रहता भी है। रही बात खाने की, तो कुछ खुराकें ऐसी भी हैं जिनसे लो ब्लड प्रेशर बढ़कर नॉर्मल हो जाता है। इन खुराकों में विटामिन B12 वाली खुराकें शामिल हैं, मिसाल के तौर पर अंडे, दलिया, अनाज और गोश्त वगैरह। इसके अलावा फोलेट वाली गजाएं जैसे कलेजी, दालें, अंडे, फलियां, किन्नू, माल्टे और सब्जियां वगैरह। ज्यादा नमक वाली गजाएं जैसे जैतून, पनीर और चीज और अचार वगैरह। इनके अलावा कॉफी और चाय पीने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर मुसलसल खड़े रहने से आपका बीपी लो हो जाता है तो कोशिश करें इस सिचुएशन यानी सूरत हाल में थोड़ा बहुत चल लें। बहुत ज्यादा देर एक जगह टिक कर खड़े ना हो, और अगर बैठ सकते हो तो थोड़ी देर बैठ जाए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बैठे हुए हैं तो एकदम मत उठें, आहिस्ता आहिस्ता उठें, यानी अपनी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करें। होता ये है कि अक्सर लोग बैठे होते हैं मगर वो जैसे ही उठते हैं उनका बीपी लो हो जाता है और वो गिर जाते हैं, इससे इन्हें चोट भी लग सकती है। इसलिए याद रखें, ना तो बहुत तेजी से बैठना है और ना ही उठना। आपकी जो भी पोजीशन है इसे आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करें। और अगर आपका ब्लड प्रेशर खाना खाने के बाद लो हो जाता है तो थोड़ा खाना खाएं मगर बार बार खाएं, और एक ही खाना बार बार खाने के बजाय बदल बदल के खाने भी खा सकते हैं। और हाँ, खाना खाने के बाद बहुत तेजी से नहीं उठना, और जब जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है इन सिचुएशंस को लिख ले या याद रखें। मिसाल के तौर पर आप किसी वजह से डर गए और हो गया बीपी लो। जब आपको पहले ही पता होगा कि इन सिचुएशंस में बीपी लो हो जाता है तो आप इनसे बचा करें। दवाइयों की बात करें तो अगर लो ब्लड प्रेशर किसी बीमारी की वजह से हो, जैसे दिल की बीमारी, शुगर या इन्फेक्शन, तो डॉक्टर इन बीमारियों का इलाज करता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें डॉक्टर ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयां देते हैं, लेकिन ये वो मरीज होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर इंतहा से ज्यादा लो होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई कभी खुद नहीं खानी, बल्कि इसका फैसला आपने डॉक्टर को करने देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।